यहाँ कुआं से जल लाकर के लोग स्नान करते थे। हर आंगन में एक कुआं भी है। इनका नाली का सिस्टम देखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा उधर से ढाल है। सीमेंट बाद में दिया गया है। ये आपका ओरिजिनल दीवार और ये बाद का है। देखिए जरा बाद वाला ही टूट रहा है। हर हॉस्टल में एक एक सौ कमरे थे, वन फॉर वन, एक कमरा एक रूम के लिए था, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर। रेशियो मैंने बताया, 10,000 छात्र के लिए 1,500 टीचर थे, यानी प्रत्येक 7 बच्चों के लिए टीचर थे। हर 7 कमरा के बाद एक टीचर का कमरा था, कमरा एक ही जैसा था। हर कमरा में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे एक लाइट सेल्फ टाखा बना हुआ है दीपक रखने के लिए, और ऊपर का जो कटिंग है वो वेंटिलेशन है हवा प्रकाश के लिए, यानी रहना पढ़ना खाना पीना सब छात्रावास के अंदर। अब ऊपर का जो कटिंग था वो वेंटिलेशन था हवा प्रकाश के लिए। सभी 100 विद्यार्थी यानी एक हॉस्टल के विद्यार्थी अपने अपने आंगन में जमा होते थे। एक क्लासरूम होता था, ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। पत्थर पिलर के लिए था जिससे छतें टिकती थी। हर आंगन में एक कुआं होता था जल की सुविधा के लिए। ये दोनों गोदाम घर है जहाँ वो चावल रखते थे, और बगल में ये देखिए लंबा वाला चूल्हा बना हुआ है। नीचे से काठ की लकड़ी लगाने पर लोग यहाँ भोजन बनाते थे। तो आपने देखा, हाँ।